हेलो एंड वेलकम टू द एसएससी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 3 और इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द फोर्स एट एन एंगल। अगर फोर्स अगर किसी एंगल पर लग रहा है तो वहां पर किस तरीके से हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके चलो तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा कि हमने देखा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। सो अगर हम इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है और इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो भी इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं, ये भी आपको पता है। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, जब हम फोर्स इस तरीके से लगाते हैं, ये फोर्स है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है अपोजिट, ठीक है, ये मोशन कह लीजिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है बाय द फोर्स दैट इज द नेगेटिव वर्क डन, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जीरो वर्क डन क्या होता है, सो मान लीजिए हम फोर्स तो लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहां पर जीरो है, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर जीरो वर्क डन होता है। या फिर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में अगर 90 का एंगल होगा, दोनों अगर चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी, तो ये क्या होगा, ये जीरो वर्क होगा। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। सो ये तो चीजें हमने पढ़ ली, तो मान लीजिए अगर हम इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा दें, ये जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, तो देखो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो तो ऑब्वियसली है हॉरिजॉन्टल होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ इस तरीके से होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम इस तरीके से उसे खींच रहे हैं ना, ठीक है। तो यहां पर जो वर्क डन होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, यहां पर क्या करना है, ये वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। अब किस तरीके से करते हैं, तो देखो सो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दैट इज द 100 न्यूटन फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी फोर्स किसी एंगल में लगता है, अब ये कुछ एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ तो एंगल यहां पर बना है ना, ठीक है, कुछ तो एंगल बना है, तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जब एंगल बनता है तो यहां पर क्या करते हैं, हम उसे दो कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, यानी जब भी फोर्स किसी एंगल में लगता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो ये है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, समझ में आ रहा है। अब क्या होता है, देखो इसे कहेंगे F1 और इसे कहेंगे F2। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये होता है कॉस, ठीक है, और ये एंगल कितना है, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये बन जाएगा cos थीटा, और ये जो वर्टिकल दिखाई दे रहा है ये बन जाएगा हमारा sin थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर हमें F1 फोर्स को कंसीडर करना होगा, किस फोर्स को कंसीडर करना होगा, F1 फोर्स को कंसीडर करना होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से, देखो अब देखो बच्चों यहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, देन हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब देखो बच्चों, अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, जब डिस्प्लेसमेंट अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स नहीं होगा तो, ठीक है, देखो सो जनरली वर्क डन क्या होता है, आप सभी को पता है, वर्क डन इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन होता है, आप सभी को पता है, ठीक है, ये वर्क डन होता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ द फोर्स F1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F1 को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर W=F1 × S कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, F is the force which is applied at an angle of theta, ठीक है, यहाँ पर क्या है, F is the force which is act at an angle of theta, वो theta angle पर act कर रहा है with the horizontal, ये आपको याद रखना है। अब देखो बच्चों, तो आपको cos पता होगा क्या होता है, हमेशा आपको cos पता होगा क्या होता है, cos थीटा, cos क्या होता है, cos हमेशा ही बेस
अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का मतलब है बेस क्या है, यहाँ पर देखो बेस एफ वन है, यहाँ पर मैंने एफ वन लिख लिया। हाइपोटेनस क्या है, नथिंग बट द एफ, तो मैंने यहाँ पर एफ लिख लिया, ठीक है। तो हमें एफ वन कैलकुलेट करना है ना, एफ वन डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो काम करो, फोर्स एफ वन को यही रहने दो, इस एफ को इधर लेके आओ, ठीक है। तो इधर वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, क्योंकि इधर वो डिनोमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा एफ वन इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ इक्वल टू एफ वन इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा फोर्स विच इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है भाई, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है एफ कॉस थीटा, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, आप सभी को पता है ये वाला, W इक्वल टू एफ वन इंटू एस, देखो W इक्वल टू, अब देखो एफ वन क्या है, एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यस, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा हमारा वर्क डन व्हेन द फोर्स एट एन एंगल, जब भी फोर्स किसी एंगल में होगा तो वहां पर क्या होगा, जो भी वर्क डन होगा वो हमें इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है, एफ इंटू यस इंटू कॉस थीटा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60, कॉस 30, कॉस 90, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट देखना होगा, तब जाकर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बनती है जो कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बच्चों, एंगल अगर जीरो होगा, ठीक है, एंगल अगर जीरो होगा तो देखो कॉस थीटा यानी कॉस जीरो क्या आता है, वन आता है, तो यहाँ पर वन आएगा, ठीक है। सो कॉस वन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि कॉस थीटा तो जीरो आ गया, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एफ इंटू यस होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क क्यों, क्योंकि एंगल जीरो है, एंगल जीरो है मतलब इस वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी ना, दैट्स व्हाई दिस इज द पॉजिटिव वर्क। अब देखो बच्चों, अगर थीटा अगर 90 होगा तो कॉस 90 क्या आएगा, कॉस 90 देखो बेटा क्या आता है, कॉस 90 ये आता है बेटा जीरो, कॉस 90 जीरो आता है, ठीक है। तो कॉस 90 जीरो आ जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू यस इंटू कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा जीरो बनेगा तो सारा टर्म जीरो बनेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, जीरो वर्क आएगा, यानी एंगल अगर 90 का होगा तो जो भी वर्क डन आएगा वो जीरो होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जीरो वर्क, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखो 180 का मतलब क्या है, आपको पता होगा कॉस 180 क्या आता है, कॉस 180 आता है माइनस वन, ठीक है। तो अगर माइनस वन आता है तो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना, वर्क डन माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, नेगेटिव वर्क होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एंगल, देखो बच्चों मैं एक फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, एंगल अगर जीरो होगा तो पॉजिटिव वर्क, एंगल अगर 90 होगा तो जीरो वर्क, एंगल अगर 180 होगा तो नेगेटिव वर्क, ये आपको याद रखना है और ये आपको रटना है बस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओके। सो चलो बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच and God bless all of you.